मुझे प्रोजेक्ट मिला वहाँ से, लेकिन मुझसे उसके लिए पैसे मांगे गए। 2 महीने के बाद मुझे एक कॉल आया कि आपका बेटा जो है सेलेक्ट हुआ है मीशो के लिए। कि जब हम पैसे दे देते हैं तो उसके बाद मतलब सामने वाला जो है रियलिटी दिखाता है, तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी माइंड में क्लिक थी कि हमें अभी पैसे हमें भेज। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। एक्चुअली आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है। ज़्यादातर मदर्स हैं जो अपने बच्चों का फोटोशूट करवाना चाहती हैं एच के ड्रीम प्रोडक्शन से, क्योंकि मैंने भी अपने बेटे का एच के ड्रीम प्रोडक्शन से मैंने फोटोशूट कराया है फॉर अमेजोन शूट, और मेरी वीडियो पे काफ़ी लाइक्स भी आए हैं, काफ़ी व्यूज भी आए हैं, और मुझे अच्छा लगा आप सभी ने इतनी पसंद की है वीडियो। और क्या है ना, उस वीडियो पे काफ़ी मुझे कमेंट्स रिसीव हुए हैं। सो कमेंट्स तो मैंने किए हैं, काफ़ी लोगों के मैंने करे हैं, बट कुछ कमेंट्स मैं नहीं कर पाई हूँ। सो जैसे आप स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होगे, तो मीन्स काफ़ी मैं कमेंट नहीं कर पाई हूँ। सो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनका आंसर आपको इस वीडियो में दे दूँ, क्योंकि मतलब हम तो कमेंट करना चाहते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम घर के कामों में बिजी होते हैं, बच्चों के साथ बिजी होते हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं कमेंट का रिप्लाई। सो ठीक है, अब आप वीडियो को फुल वॉच करना। सो मैं जिसमें कि आपको बताऊंगी कि मेरा बेटा कैसे अमेजोन शूट के लिए सेलेक्ट हुआ था, और हमें वहां से क्या रिस्पॉन्स मिला है, हमने कितना पे किया है, प्लस उन लोगों का जो भी रिस्पॉन्स था हमारे लिए वो क्या रहा। सो ठीक है, वीडियो में बने रहना, और वीडियो वाकई ही बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है सभी के लिए। सो वीडियो फुल वॉच करना, ठीक है। तो जो भी मेरे पास कमेंट्स आए ना, मैं उसका ही रिप्लाई आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ठीक है, हम बात करेंगे पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि वंश कैसे सेलेक्ट हुआ अमेजोन फोटोशूट के लिए, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि एक लिंक था जो कि मैंने इंस्टा पे या मैंने फेसबुक पे मैंने देखा था, वहां पे मैंने अप्लाई किया, और उन लोगों ने मुझसे कुछ फोटोग्राफ्स मांगी वंश की, विदाउट फिल्टर फोटोग्राफ्स थी। तो मैंने वही फोटोग्राफ्स जो है पिक जो है कैप्चर करके मैंने उन लोगों को सेंड करी। जब मैंने सेंड करी तो वहां से मुझे कॉल आया कि आपका बेटा जो है सेलेक्ट हो चुका है, सो आप नोएडा आ जाइए, और नोएडा में आके अपने बेटे का फोटोशूट करवाइए, और आपका बेटा जो सेलेक्ट हुआ है 2-3 कंपनीज के लिए सेलेक्ट हुआ है, लाइक अमेजोन, मीशो, और एक दो कंपनी उन्होंने और बताई थी। सो आप बताओ आप कौन से का करवाना चाहते हो। सो हमने तो अमेजोन के लिए ही बोला कि अमेजोन ठीक है। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने हमें यही बताया कि आपको शुरू में कुछ चार्जेस पे करना होगा, लाइक 2000 1999 उन्होंने बताया था, तो वही 2000 ही हो गया। सो आपको वो पे करना होगा, और उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, देन उसके बाद आपको आपका जो बेटा है उसका हम फोटोशूट करेंगे। सो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने हमसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं करी थी, हमसे मांगा था कि आप अपने बेटे को सिर्फ शूज़ पहना के लाना, और कोई भी डेनिम की ब्लैक कलर की कैप्री या ब्लैक कलर की पैंट आप पहना के लाना, क्योंकि उसका जो शूट था वो एक शर्ट के लिए था। सो आप देख सकते हैं साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, तो ये वाली जो शर्ट है यही वाली शर्ट के लिए मेरे बेटे का फोटो शूट हुआ था। और हम गए वहाँ पे, हम बहुत हैप्पी थे, हमें वही लगा कि चलो बहुत अच्छा है, और वाकई बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। एक्चुअली वही क्या है ना, धीरे धीरे ही पता चलता है, क्योंकि शुरुआत में तो हर कोई दिखाता है कि अच्छा अच्छा है। सो हम गए वहाँ पे, हमने वंश बहुत एक्साइटेड था, हम नोएडा गए, नोएडा में है एच के ड्रीम प्रोडक्शन, और वहाँ पे जाके हमने एक फॉर्म फिलअप करा, वो फॉर्म हमने फिलअप करा, फिर वंश को बुलाया फोटोशूट के लिए। सो वंश का फोटोशूट हो रहा था, सो एज यू कैन सी, सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि वंश कितना हैप्पी है, कितना अच्छे से फोटोशूट करवा रहा है, और वंश ने काफ़ी कोऑपरेट किया, अच्छे से उसने करा भी। बस फोटोशूट हुआ, उसके बाद हम वहाँ से निकलने लगे। थोड़ा सा हमने वेट किया, पूछा कि मतलब कब तक हमें इसका लिंक मिलेगा, तो उन्होंने हमें बोला कि आपका जो लिंक है, ये एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जो कि शो होता है अमेजोन पर,
अब फोटो छोटी है अमेजोन के लिए, तो वो मिलना ही है लिंक भी, वो आपको विद इन 1 वीक आपको मिल जाएगा, 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। हमने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, हमारी जो मैम हैं वो आपसे मिलना चाहती हैं, और उनसे मिलने के बाद ही आप फिर जा सकते हैं, आप चले जाना फिर। तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, मिल लेते हैं। तो उसके बाद हम मिले उनकी मैम से, सो मैं नेम तो मैं नहीं ले रही हूँ, नेम मुझे नहीं लगता सही कि लेना चाहिए। सो वहाँ पे उनकी मैम, उनकी जो मैम है उनसे मिले, तो उन्होंने हमें बताया कि अभी आपने जो फ़ोटोशूट करवाया है इसका 2000 रुपीज़ लगा है। सो ये आपको अमेजोन पे लिंक आपको शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और ये शर्ट के लिए था। हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमने तो करवाया है इसीलिए था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारी एक सर्विस है जिसमें कि आप ये सर्विस लीजिए, ये 1 ईयर के लिए सर्विस होगी। इसमें क्या होगा, जैसे बहुत सी सीरीज़ होती हैं आजकल, सीरीज़ आप देखते होंगे ना काफ़ी, मतलब प्राइम पर आती हैं, हॉटस्टार पे आती है, बहुत से मतलब चैनल्स पे, बहुत से मतलब ऐप्स पे आती हैं सीरीज़, तो उस सीरीज़ के लिए या एड्स के लिए, हाँ, या और भी फ़ोटोशूट के लिए, तो ये एक साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिसमें कि हमसे मांग रहे थे 20,000 के, 20,000 आपको पे करना पड़ेगा, और 1 ईयर के लिए ये जो है पैक्ड हो जाएगा पूरा। हम फिर जब भी शूट्स हुआ करेंगे आगे, किसी भी या तो आप लगा सकते किसी भी एड्स के लिए शूट हुआ, या मीशो की तरफ से आया, जो भी हुआ, तो आपका ये जो 20,000 आपका जाएगा, इसी में ही ये सारे शूट होंगे और आपको लिंक मिलते रहेंगे। तो हमें भी अच्छा लगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे। ऑब्वियसली हर कोई यही चाहता है, मतलब बच्चे के आगे पैसे कौन देखता है ना, जब आपका बच्चा खुश है जिस चीज़ में और आपको भी लग रहा है कि चलो वो खुश है, तो 20,000 इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब अपने बच्चे के लिए सिर्फ, वैसे तो बहुत बड़ी बात है 20,000, बट हमने तो यही सोचा कि ठीक है 20,000 अगर हम देंगे और 1 ईयर का हमारे बेटे का ये पैक्ड हो जाएगा और हम ये करवा सकते हैं, तो ठीक है। फिर हमने उनसे यही कहा कि भाई 20, मतलब थोड़ा सा हमने नेगोशिएशन हमने करा, तो वो मान गए 15,000 पे, तो 15,000 पे हमारी डील पक्की हो गई। उन्होंने कहा ठीक है आप पे करो 15,000 पे, आज पे करके जाओ, देन ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 ईयर का रहेगा। इसमें हम आपको फ़ोन कर करके हम आपको बताएंगे कि आज ये शूट है या आज इस एड के लिए शूट है, तो आपको उन प्लेसेस पे आपको जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, बट हमारी एक डिमांड ये थी कि अभी नहीं हम पे करेंगे, क्योंकि हम अभी हमने शूट करवाया है अपने बेटे का, तो उसका लिंक हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हम वो पूरा सिनेरियो हम देखना चाहते थे कि वहाँ, मतलब अब पैसे होता है ना कि जब हम पैसे दे देते हैं तो उसके बाद मतलब सामने वाला जो है रियलिटी दिखाता है, तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी माइंड में क्लिक थी कि हमें अभी पैसे हमें पे नहीं करना। तो हमने क्या करा, हमने 1,000 रुपीज़ हमने वहाँ पे किया, हमने कहा ठीक है 14,000 हम पे कर देंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कर देंगे, लेकिन हमें पहले शूट्स चाहिए, है ना, आप हमें शूट दीजिए और हम आपको पे करते रहेंगे, ठीक है, और जब हमें शूट मिलेगा तो हम मीन्स अगर हमें 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर हमें कोई शूट मिल रहा है तो हम आपको हाफ पेमेंट तब कर देंगे, फिर उसके बाद जो शूट मिलेगा फुल पेमेंट हम आपको तब कर देंगे। तो वो लोग मान गए कि ठीक है चलो आप ऐसे कर लेना, बट एटलीस्ट आप 1,000 आप पे कर जाओ। तो हमने 1,000 पे कर दिया। फिर हमने देखा कि पहले हमने उनसे ये भी कहा कि पहले हम अमेजोन का देख लेते हैं कि ये लिंक हमें विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा अमेजोन साइट पे, पहले हमें इसका तो विश्वास हो जाए, उसी के बाद तो हम आगे बढ़ेंगे। सो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप जाओ। उन्होंने हमें एक एग्रीमेंट भी दिया, एग्रीमेंट भी होगा मैं आपको शो कर दूंगी वीडियो के लास्ट में, मैं आपको शो कर दूंगी। उन्होंने हमें एक एग्रीमेंट भी दिया, सो हम हैप्पी थे, 1,000 हमने पे करा, एग्रीमेंट हमने लिया और हम आ गए घर की तरफ। फिर जब हम आ गए तो उसके बाद की कहानी हुई है, मैं उन लोगों को काफ़ी फॉलोअप कर रही थी, मतलब फॉलोअप करते करते मुझे 1 वीक हो गया। मैं इंस्टा पे भी इनका है HK ड्रीम प्रोडक्शन का है, देखो मुझे नहीं पता कि ये रियल है या फेक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सभी से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं कह सकती कि वो क्या है ना, लेकिन जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। सो उसके बाद मैंने
उसके बाद मैंने उन लोगों को फ़ोन कॉल करना शुरू किया कि ठीक है अभी तक अमेज़ोन का लिंक नहीं आया, अभी तक अमेज़ोन का लिंक नहीं आया, हो गया था 1 वीक से ऊपर हो गया था, तो वो लोग काफ़ी टाल रहे थे, हाँ आएगा आएगा आएगा। मैं डेली इंस्टा भी देखती, इंस्टा पे शूट चल रहा था, तो एटलीस्ट इंस्टा पे तो जो मेरे बेटे का शूट हुआ था वो उनको डालना चाहिए था ना, बट उन्होंने इंस्टा पे नहीं डाला, कोई बात नहीं, वो उनका कोई रीज़न होगा। फिर एक हफ्ता बीत गया, फिर मैंने फ़ोन कॉल किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे। फिर उसके बाद जाकर मतलब मैंने इंस्टा पे भी उनको मैसेजेस किए, फिर मैंने फ़ोन किया, मतलब फ़ोन तो ही लगा लो, मैं डेली ही उनको कर रही थी फ़ोन, बट हाँ ये था कोई साहिब है वहाँ पे, उनसे मेरी बात चल रही थी इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन पिक करा है और बस मुझे डेली डेली यही बोलते थे, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज शाम तक आ जाएगा। जब मैंने उनको अच्छे से थोड़ा सुनाया, बोला कि भाई ऐसा आप क्या कर रहे हो, है ना, आपको नहीं देना तो आप बताओ, अगर आपको करना है तो आप बताओ, तो उन्होंने फिर बोला कि एक्चुअली अभी ना उसमें एडिट नहीं हुई है जो फोटो, तो ये फोटो बोल रहे हैं वो एडिट नहीं हुई है, जो भी करते होंगे इनका जो भी प्रोसीजर होता होगा। मैंने कहा ठीक है, आप जो भी फोटो आप कर रहे हो एटलीस्ट आप पहले मुझे वो प्रोवाइड कर दो, उन्होंने मुझे वो प्रोवाइड करी। फिर उसके बाद मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे लिंक चाहिए तो चाहिए, मुझे देखना है जो मैंने करवाया है अमेज़ोन पे क्या वो सच में विजिबल है या नहीं है। तो कह रहे कि अभी लिंक नहीं बना, अब ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 15 दिन हो गए, तुम कह रहे हो एक हफ्ते में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, बट मुझे उससे ज़्यादा टाइम मुझे लग गया था, नहीं आया था। फिर उसके बाद जब मैंने काफ़ी लोगों को फॉलो किया, बहुत ज़्यादा फॉलोअप्स किया, उसके बाद जाके मुझे इन लोगों ने लिंक प्रोवाइड किया कि हाँ, क्योंकि मैं तो पीछे पड़ चुकी थी भाई, मुझे तो लिंक चाहिए था, और फिर मैं 1000 पे भी करके आ रखी थी, क्योंकि देखो आप अपने बच्चे पे पैसा लगा सकते हो, वो क्यों लगा सकते हो, जब आप अपने बच्चे की खुशी चाहते हो लगा सकते हो, जब आपको लगेगा कि नहीं यहाँ से फ्रॉड हो रहा है या यहाँ से झूठी कमिटमेंट हो रही है ना, तो आपको भी दुख होगा, तो तब तो आप पीछे पड़ोगे ही ना। अगर वहीं पर आप ये मतलब ये हमसे 20,000 के बदले 30,000 भी मांगते ना, हम दे देते और हम करवाते, बट जब मैंने इससे पहले ही लिंक में मैंने देखा कि इनका रिस्पांस मुझे गड़बड़ लगा, रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं लगा। सो मैं आपसे बात कर रही थी ना रिस्पांस की, कि उनका रिस्पांस क्या आया, सो हाँ मुझे उनका रिस्पांस जो है गड़बड़ लगा, मुझे इतना अच्छा उनका रिस्पांस नहीं लगा। और उसके बाद ही जब मुझे लिंक प्रोवाइड हुआ, फिर मैंने ये वीडियो भी मैंने बनाई कि ऑब्वियसली मुझे व्लॉग बनाना था, और मैंने वीडियो में डाला भी कि कैसे कैसे मेरे बेटे का शूट हुआ है, और मुझे कहीं ना कहीं होप थी कि चलो देर सवेर उन्होंने मुझे दे तो दिया लिंक, तो ऐसे ही आगे भी शूट्स मेरे बच्चे को मिल जाएंगे, तो मुझे ये थी। सो ठीक है, ये बात हुई, यहीं पे स्टॉप होती है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि सभी मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपने मेरे बेटे का फोटोशूट करवाया, आपने 2000 पे किया, क्या आपको कुछ रिसीव हुआ? मैं बताती हूँ, मुझे वहाँ से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, 2000 मैंने पे किया, मुझे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। इनफैक्ट उन लोगों ने मुझसे और 20,000 मांगे थे कि अगर आपको 1 ईयर के लिए आप चाहते हो कि आपका बेटा और फोटोशूट्स में आए, मीशो पर आए, फ्लिपकार्ट पर आए, बहुत सी वेबसाइट है वहाँ पर आ सके और कुछ एड्स में आए, तो आपको 20,000 पे करना पड़ेगा, बट मैंने वो नेगोशिएट करके 15,000 पे मैं ले आई थी, बट वहाँ तक हम एग्री थे। जब उन्होंने हमें लिंक दे दिया ना, उसके बाद भी उनका मुझे कोई रिस्पॉन्स ठीक से मिला ही नहीं। हाँ, तो वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स उनका नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो जाने देते हैं, देखते हैं। अभी वैसे तो हम 3000 हम पे कर चुके थे, 2000 शूट के, और 1000 मैं उस चीज़ के पे करके आई थी कि जैसे मैंने आपको बताया ना 15,000 का एक 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो उसके लिए मैंने 1000 मैंने पे कर दिया था कि ठीक है अभी हम टोकन अमाउंट हम दे के आपको जा रहे हैं, और फिर आप हमें जब जब आप हमें बुलाओगे हम उस शूट के अकॉर्डिंगली हम आपको पे कर देंगे। फिर उसके बाद मुझे वहाँ से एक कॉल आता है, टू मंथ के बाद मुझे एक कॉल आया कि आपका बेटा जो है सेलेक्ट हुआ है मीशो के लिए, और मीशो में उसका जो है शूट है, तो आप आ जाइए। तो फिर मैंने पूछा ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैं आ जाती हूँ, कहाँ पे करवाना है? उन्होंने वही बताया नोएडा में है, बट आपको जो है 6000 आपको पे करना होगा। सो मैंने वही बोला कि ठीक है 6000 मैं पे कर दूँ, बट मैं अभी क्यों पे करूँगी? मेरी जो बात हुई थी आपके सीनियर से वो यही हुई थी कि 6 महीने तक जो भी शूट्स होंगे, ठीक है, आप 6 महीने तक जो भी शूट्स हो रहे हैं मेरे बेटे के आप करवाइए, आप करवाइए, मेरी डोबी भी आ गई।
कोको हाँ। सो 6 महीने तक जो भी शूट्स हो रहे हैं आप वो करवाइए। हाँ ठीक है ना, जा से वही कहा कि 6 महीने तक जो भी शूट्स होने हैं आप वो करवाओ, और जितने भी होते हैं आप वो करवाओ, और जैसे 6 महीने कंप्लीट होंगे तो हाफ पेमेंट हम आपको दे देंगे, मीन्स 7-8 हज़ार जो भी बनते हैं हम आपको वो दे देंगे। फिर उसके बाद जो 6 महीने का जो पीरियड चलेगा, मतलब 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था ना ये, और उसमें जो भी शूट होते हैं फिर वो जब कंप्लीट होगा फिर हम आपको जो भी अमाउंट आपका बच रहा है हम आपको पे कर देंगे। बट उन्होंने वही बोला कि नहीं मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, आप आओगे और आपको इसमें हाफ अमाउंट आपको पे करना है। अगर आपको मीशो के शूट के लिए हमने फोन किया है ना, तो दैट मीन्स आपको इसमें 6,000 आपको पे करना पड़ेगा, मतलब टोटल आपके 7,000 हो जाएंगे। फिर जब उसके बाद आपका शूट होगा, अभी मीशो के लिए हो रहा है, उसके बाद जो जिस भी कंपनी के लिए होता है, फिर आप जब सेकंड टाइम आओगे फिर आपको जो भी शूट होगा उसमें आपको फिर फुल अमाउंट, जो भी आपका रेस्ट ऑफ अमाउंट होगा आपको वो पे करना है। सो मैं तो शॉक्ड हो गई, ये क्या है, हमारी बात तो कुछ और हुई थी कि भाई जब 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 ईयर के अंदर ही मैं आपको पे करूंगी ना, अभी फर्स्ट सेकंड शूट में और फर्स्ट शूट में थोड़ी मैं आपको सारा अमाउंट पे कर दूंगी। जब मुझे पहला ही रिस्पांस आपकी तरफ से अच्छा मिला ही नहीं है अमेजोन लिंक का, तो अमेजोन शूट का, तो मैं आपको ये अमाउंट कैसे इतनी जल्दी पे कर दूं, पहले मुझे तो विश्वास तो होने दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम हमारी तो यही पॉलिसी है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने फिर उनको मना किया कि नहीं आप अपने सीनियर से बात करो, अगर आपके सीनियर इस चीज के लिए एग्री होते हैं तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, अदरवाइज मैं नहीं बढ़ूंगी। बट उन्होंने आगे भी यही बात करी, फिर उन्होंने फोन काट दिया। फिर उसके बाद मैंने उनको काफी फोन कॉल्स किए, काफी फोन किए, उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, बिल्कुल फोन नहीं उठाया। फिर इन्होंने 6 महीने बाद या 5 महीने बाद फिर से इनका फोन आया और सेम यही कंडीशन। फिर मैंने इनको यही बोला कि नहीं मुझे नहीं करवाना है, और जो भी 1,000 रुपीज जो भी मैं देकर आई हूँ एक्स्ट्रा, आप उसको टिप समझ के आप इसको रख लीजिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। अगर आप इस तरीके से अगर आप शूट करवाओगे ठीक है, तो मुझे वो शूट नहीं चाहिए। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन भी करा, वो क्वेश्चन ये था कि आपको कुछ मिलता है या नहीं, ठीक है। तो ये थर्ड या फोर्थ पॉइंट है ना, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो इसमें मैंने इनसे यही क्वेश्चन किया कि वैसे तो जो कंपनी वाले हैं वो आपको पे करते हैं, मींस जब किसी भी बच्चे का फोटोशूट होता है तो पेरेंट्स को आप लोग मींस कंपनी पे करती है, बट यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमें क्यों पे करना पड़ रहा है। तो उनका रिस्पॉन्स क्या था मैं आपको उनका रिस्पॉन्स बताती हूँ। उन्होंने यही कहा कि मैम अभी आपका जो बच्चा है और जो भी नए बेबीज होते हैं उनको वो एक्सपीरियंस नहीं होते, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो 1 ईयर के अंदर जो है हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना वो हम इसीलिए करते हैं कि 1 ईयर के अंदर बच्चा अपनी पहचान बना ले, मतलब मीशो साइट्स पे या अमेजोन साइट पे या अमेजोन साइट पे या फ्लिपकार्ट जो भी साइट्स हैं इन पर उनका उनकी जो है फोटोज जो है विजिबल हो, उनका फोटोशूट हो, और जो भी सीरीज में वो आ जाए एड्स में आ जाए तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है और उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उनको जो है कंपनी खुद बुलाती है, फिर उनको हम नहीं बुलाएंगे, फिर उनको मीशो की तरफ से खुद आएगा फोन, अमेजोन की तरफ से खुद फोन आएगा। अभी तो हम बीच में है तो इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे, और जो पैसा देंगे आपको वो कंपनी की तरफ से मिलेगा, लेकिन आपको अभी ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 ईयर का। तो मैंने फिर से वही बात बोली कि ठीक है मैं 1 ईयर का कर रही हूँ, लेकिन मैं एक साथ या हाफ ऑफ करके मैं अमाउंट नहीं दूंगी, मैं सिक्स मंथ में ही मैं दूंगी, मीन्स अभी 6 मंथ के अंदर जितने भी शूट आपको करवाने हैं आप वो करवाओ, फिर 6 मंथ के बाद जो भी शूट होता है वो आप करवा दो, और जो भी रेस्ट ऑफ अमाउंट होगा सिक्स मंथ के बाद आप ले लेना, और 6 मंथ के पहले जो भी अमाउंट बनेगा मैं आपको दे दूंगी। पहले जो भी बात हुई थी मेरी उनके सीनियर से, उन्होंने यही कहा था कि ठीक है ऐसे हम कर लेंगे, और आप टोकन मनी आप दे जाओ 1,000, इसलिए मैं देख के भी आ गई थी। बट बाद का तो उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, मुझे वो पसंद नहीं आया। सो इसीलिए फिर मैंने वहाँ से डिसकंटिन्यू करा और मैंने उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया, और फिर क्या मैं फ़ोटोशूट कराती, क्योंकि वही चीज़ है ना, अपने बच्चे को लेकर भी इतनी दूर जाऊँ वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स भी अच्छा ना मिले तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं था। लेकिन हाँ जब भी उन लोगों के फोन आए ना, आज तक उन लोगों के फोन मेरे पास आते हैं एच के ड्रीम प्रोडक्शन से आज तक आते हैं, और उनकी सेम यही कंडीशन रहती है सेम, कि
नहीं आपको हाफ, आप अभी हाफ अमाउंट आप पे करो, और जब सेकंड शूट होगा मींस जैसे अभी मैं गई तो अभी मैं 6,000 रुपये या 7,000 रुपये में लेके जाऊँ, उसके बाद ही मुझे लिंक देंगे, फिर उसके बाद मैं 6,000 रुपये या 7,000 रुपये लेके जाऊँ फिर वो मुझे लिंक देंगे। अब मुझे बताओ, ज़रूरत मेरी है कि मुझे अपने बेटे का शूट करवाना है? मेरी तो कोई ज़रूरत नहीं है, सच बताऊँ तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो जस्ट एक फ़न के लिए मैंने अपने अपने बच्चे का फ़ोटो शूट करवाया था कि ठीक है मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, इसलिए मैंने करवाया था। डील उन्होंने हमारे सामने रखी थी, हमें लगा कि भाई अच्छा होगा तो क्या मतलब अच्छा होगा, और वन ईयर में तो क्या हुआ, अपने बच्चे के लिए हम इतना कर सकते हैं, बच्चा भी थोड़ा जो है ग्रोथ होगा, हमने सिर्फ यही सोच के हमने आगे बढ़ाया। बट सच कहूँ तो हमें एचके ड्रीम प्रोडक्शन से बहुत अच्छा या अच्छा भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। सही मैं बताऊँ तो शुरू का था जो भी था कि हाँ आप आ जाइए, सिर्फ 2,000 आपको पे करना है, वहाँ तक तो हमें अच्छा लगा, बट उसके बाद उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर ये सही तरीके से चलते ना तो मैं अपने बच्चे का फोटोशूट ज़रूर करवाती। सो ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ एक और पॉइंट, जो पॉइंट मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने अपने एचके प्रोडक्शन में आपसे पोर्टफोलियो मांगा था बच्चे का, तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, उन्होंने मुझसे कुछ भी पोर्टफोलियो के लिए नहीं कहा कि आप अपने बच्चे का पोर्टफोलियो करवाओ, नहीं। और हमने कोई अपने बच्चे का पोर्टफोलियो नहीं करवाया, हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमने उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट की कि आप अपने बच्चे की विदाउट फिल्टर फोटोग्राफ कैप्चर करके हमें सेंड करो, और उतने में ही उन्होंने हमारे बच्चे का फोटोशूट करा। सो वो था, और पोर्टफोलियो के लिए उन्होंने हमसे नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा। जो है मैं वही बताऊंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो काफ़ी पॉइंट्स मैंने इसमें क्लियर करे हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और क्लियर हुआ होगा। सो ठीक है, अब मैं आती हूँ, जो भी मुझे कमेंट्स मिले ना मैं उस पर आती हूँ, मैं उन कमेंट्स का आपको रिप्लाई करती हूँ, तो ठीक है। सो यहाँ पर है कमेंट्स, ये रे मैं दूसरे फोन में निकाल के मैं पढ़ लेती हूँ। सो यहाँ पे मुझसे पूछा गया है, हैव यू गॉट द प्रोजेक्ट फ्रॉम एचके ड्रीम प्रोडक्शन? सो नहीं, मुझे कोई नहीं। सो हाँ, मुझे प्रोजेक्ट मिला वहाँ से, लेकिन मुझसे उसके लिए पैसे मांगे गए 20,000, और जो कि मुझे वेस्टेज लगा क्योंकि मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला वहाँ से। अगर रिस्पांस अच्छा मिलता तो मैं डेफिनेटली इसको आगे करती कंटिन्यू। सो सेकंड है, हाउ कैन यू अप्लाई फॉर द फोटोज, प्लीज टेल मी एंड हेल्प। तो इसमें भी यही है, मैंने जो अप्लाई किया है, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि मैंने अप्लाई किया है इंस्टा पे या फेसबुक पे, मैंने लिंक देखा था वहाँ से, मुझे मैंने वहाँ पे उन्होंने जैसे जैसे डिटेल्स मांगी मैंने वैसे वैसे फिलअप की, एंड उसके बाद वहाँ से मुझे खुद फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे नंबर प्रोवाइड करा था जिस नंबर से फ़ोन आया, उस नंबर पे ही मैंने अपने बच्चे की फ़ोटोज जो है सेंड करी। सो थर्ड है, हाय मैम प्लीज़ गाइड मी, आई ऑल्सो गॉट कॉल रिगार्डिंग लाइक यू, बट दे आर चार्जिंग 5,000 फॉर फ्रेशर, देन आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड मनी फॉर श्योर, बट फर्स्ट वी नीड टू पे। सो मुझे वेस्ट लगता है, आप पे मत करिए, मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को आप अगर कोई भी कंपनी चाहती है ना कि आप उनके लिए काम करो, तो वो आपको खुद पे करेगी, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी पे करके देखा तो हमें इतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, एक लिंक तक मैंने इतनी ज़बरदस्ती से मैंने निकलवाया उन लोगों से। एक और है कमेंट, डियर अमाउंट उन्होंने कॉल पर ही बता दिया था या वहां जाने के बाद मांगा था, प्लीज टेल मी बिकॉज 12 को मेरे बेटे के अभी फोटोशूट है। तो ठीक है, मैं आपको यही कहूंगी कि उन्होंने हमें फोन पर ही अमाउंट बता दिया था कि क्या अमाउंट है, और उन्होंने हमसे खुद ही यही कहा था कि आप डिसाइड कर लो आप आना है नहीं आना, पर उन्होंने हमें फोर्स भी किया था कि आप आओ और आप करवा कर देखो, लेकिन उन्होंने हमें जो अमाउंट बताया था वो फोन पर ही बताया था 2,000 रुपीज। फिर है, डिड योर चाइल्ड गेट एनी वर्क आफ्टर दैट और जस्ट फॉर अ शूट यू पे 2,000, हैव दे एवर टर्न अप और एनी अदर कास्टिंग एजेंसी? नो, मेरे बेटे को कोई भी काम नहीं मिला, इनफैक्ट उन्होंने हमसे सिर्फ पैसा ही और मांगा। सो पैसे मैं नहीं दे सकती थी, रीज़न यही था कि हमें शुरू में ही अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो हम कैसे पैसे दें।
अगर वो हाफ हाफ करके हमसे पैसे लेते तो थोड़ा हमारा भी जो है विश्वास थोड़ा सा बिल्ड होता। एक और कमेंट है, मुझे भी अपनी अपनी बेबी के लिए पोर्टफोलियो बनवाना है, कहाँ से सही रहेगा और कास्टिंग एजेंसी भी बताएं। सो डियर, मैं एक ही चीज आपसे कहूंगी कि मैं आपको कास्टिंग एजेंसी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा खुद ही नहीं पता, और दूसरी बात मुझे पोर्टफोलियो के लिए भी नहीं पता कि कहाँ से बनवाना होता है, और क्योंकि मुझसे HK प्रोडक्शन ने नहीं मांगा कि आप पोर्टफोलियो बनवा के रहो, उन्होंने हमसे नहीं कहा ऐसा, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो एक और कमेंट है, मैम प्लीज हमको भी बताएं कि इस लाइन पे कैसे जा सकते हैं, प्लीज रिप्लाई करें। तो मैम एक्चुअली मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे पास खुद ही इंस्टा और फेसबुक पर ही लिंक आया था, तो मैंने वहीं पर ही मैंने अप्लाई किया था, और बाकी के सोर्सेस मुझे नहीं पता। सो इनफैक्ट मैं तो आपको यही कहूंगी, आपको अगर कहीं सोर्स मिलता भी है तो आप जाना फोटोशूट के लिए, बट पैसे पे मत करना पहले, क्योंकि क्या हुआ था, मैंने भी मतलब मुझसे ही एक और लेडी थी जो पूछ करके गई थी, कमेंट्स में ही पूछा था, और जब वो HK प्रोडक्शन में गई तो उनको वहां से खास रिस्पांस नहीं मिला, इनफैक्ट उनको तो लिंक भी नहीं प्रोवाइड किया उन्होंने और पैसे ले लिए, फिर बाद में जा करके वो उनसे पैसे वापस लेकर आई है। सो आप प्लीज सोच समझ के जाना। सो एक और कमेंट है, मुझे भी कॉल आया है किसी स्टूडियो से है, कॉल आया है 3000 वो मांग रहे हैं, फिर माय बेबी मतलब उनके बेबी शूट के लिए क्या मुझे जाना चाहिए। तो डियर मैं यही आपसे कहूंगी कि अगर किसी मतलब अब फोटो शूट के लिए हम पैसे हमें देने पड़ रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप मत जाओ, क्योंकि मैंने फोटोशूट करवाया और मुझे एक लिंक के लिए मैंने बहुत मतलब उनके मैं पीछे पड़ी हूँ, और मुझे लिंक उन्होंने जैसे तैसे उन्होंने मुझे दिया, उसके बाद जिनको मैंने भेजा था उनको तो उन्होंने लिंक ही नहीं दिया, उनके तो ट्विंस थे, उन्होंने दो बेटों के करवाया था अपना। सो मैं तो आपको यही कहूँगी कि मेरे तरफ से तो नो है, आप मत जाइए, अगर वो पैसे नहीं मांगते तो आप जाइए। सो गाइज, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं, मदर्स के हैं काफ़ी, फादर के हैं काफ़ी, और जो चाहते हैं अपने बच्चे का शूट करवाना। मैंने तो जस्ट आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अगर आप लोगों को मतलब आप लोगों की क्या थिंकिंग, आप क्या सोचते हो, तो आप उस अकॉर्डिंगली ही आप जाना, मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप मत जाओ, ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपके साथ अच्छा हो। सो आप जस्ट खुद सोच समझ के आप जाना, और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं जिनके रिप्लाई मैं करती हूँ, और जो कुछ कुछ मुझे लगा था कि हाँ मुझे जिनके लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मेन जो कमेंट्स थे उनके लिए मैंने वीडियो मैंने बनाई है, और मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप सभी ने मेरी वीडियो को पसंद किया, लाइक किया और मुझे कमेंट्स किए। सो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, और इनफैक्ट अगर आप चाहो इस वीडियो पे भी अगर आपको कोई भी कमेंट्स मुझे करना है आप ज़रूर करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी, आई होप। सो मेरी वीडियो यहीं तक की थी, और बाकी तो आगे आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग क्या जानना चाहते हैं आप मुझे मैसेज में कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेरी आप सभी के लिए, और बस यही आपसे कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहो शेयर करना तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, और आप सभी अपना ख्याल रखना, बाय बाय।